हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। नॉर्मली हम इंडो चाइनीज रेसिपी घरों में बनाते रहते हैं, तो वैसे ही हम एक इंडो चाइनीज रेसिपी बना रहे हैं जिसका नाम है एग्स सिजवान बिरयानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल और उसमें डाल देंगे ये उबले हुए हमने 8 अंडे जिसको हमने थोड़े कट्स लगा के रख लिए हैं, और इसको करेंगे हम फ्राई और हिला हिला के फ्राई करेंगे ताकि अंडा नीचे से चिपकने ना पाए और ये सारी तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। अंडा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, नमक और मिर्ची और इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि इसका कलर बहुत अच्छा लगे। तो अंडा हमारा फ्राई हो गया, हम रख देते हैं इसको साइड पे। अब एक हम बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें 8 से 10 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं 2 बारीक कटी हुई प्याज और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। प्याज को हमको लाल नहीं करना है, कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि एक तरह से जल ना जाए और एक तरह से कच्ची ना रह जाए। इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं 2 कटी हुई हरी मिर्ची, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। प्याज को हमने लाल नहीं किया है, बस नरम हो चुकी है। इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। 2 मिनट अदरक लहसुन को भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और टेस्ट के मुताबिक नमक, और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मसाला जल रहा है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड करके उसको भून सकते हैं। हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है व्लॉग का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके क्लिक कीजिए और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको व्लॉग हमारे दिखते रहे। 1 से 2 मिनट मसाला भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं 4 टमाटर जिसको हमने पीस लिया है और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। बहुत ही इजी बिरयानी है ये बिरयानी 25 मिनट में बनके बिल्कुल रेडी हो जाती है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो इस बिरयानी का आप प्लान जरूर कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट टमाटर भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून हॉट एंड स्वीट सॉस और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। नमक आप बहुत देख के डालिए क्योंकि सॉसेज में भी बहुत ज़्यादा नमक होते हैं तो बिरयानी आपकी खारी ना हो जाए, तो इस दरमियान आप अपना नमक टेस्ट ज़रूर कर लें। 1/2 कप इसमें हम दही ऐड करेंगे और फ्लेम को हम लो पे रखेंगे और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दही कर्डल ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 5 से 6 टेबलस्पून सेजवान चटनी। अगर आपको सेजवान चटनी की रेसिपी चाहिए तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। सेजवान चटनी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये सेजवान चटनी हमारे घर की बनी हुई है और हम इसको साल भर स्टोर करके फ्रीज़र में रखते हैं। आप भी इसी तरह से बना के साल भर स्टोर करके रख सकते हैं ताकि जब भी सेजवान की कोई भी आइटम आपको बनानी हो तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं 1 गाजर और 1 शिमला मिर्च। साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, हमने थोड़ा सा लंबा लंबा और थोड़ा सा पतला पतला इसको कटिंग कर लिया है। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मसाला हमारा भुन के बिल्कुल रेडी है, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे और इसको कर देंगे हम अच्छी तरह से मिक्स ताकि सारा सेजवान का टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाए। आप चाहे तो अंडे को इस मसाले में सॉटे करने के बाद निकाल के बाहर भी रख सकते हैं और फिर ऊपर चावल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको बाहर नहीं निकाला है, हम इसको अंदर ही रहने देंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए बिरयानी में। चावल हमने बॉईल करने रखा है और हमारा चावल बॉईल होके तैयार हो गया है और मसाला भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं बॉईल किए हुए चावल जो हमने 80% बॉईल कर लिए हैं।
चावल जब हम डाल रहे हैं तो चावल के साथ में थोड़ा सा पानी भी उसके साथ आते जा रहा है, तो ये दम करने के लिए हमारे को काम आएगा। अगर आप छन्नी में छान के चावल रखें तो थोड़ा सा पानी आप चावल का निकाल लें, आधा कप पौना कप जितना, और इस चावल के ऊपर आप डाल दें। वो दम करने में बहुत आसानी रहेगी और मसाला नीचे से जलने नहीं पाएगा। 8 अंडे हमने लिए हैं और चावल हमने लिया है 750 ग्राम्स, तो इसमें तकरीबन 5 से 7 लोग खा सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा बेरिस्ता, थोड़ा से कोतमीर यानी कि धनिया की पत्ती, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा मक्खन, या आप चाहे तो थोड़ा से ऊपर से घी भी डाल सकते हैं। तो हमने डाला है अमूल बटर, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और चावल भी बहुत खिले खिले और शाइनी शाइनी बनेंगे। अब इसका हम ढक्कन लगा के नीचे तवा रख देते हैं और तवा के ऊपर ये बर्तन रख देते हैं और 5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम में और 10 मिनट इसको लो फ्लेम पर दम देते हैं। तो बिरयानी हमारी दम हो गई है और बन के बिल्कुल रेडी है। तो देखिए कितनी बेहतरीन इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनी है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। तो गर्मा गर्म बिरयानी बन के हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आप एग शेज़वान बिरयानी कब बना रहे हैं और आपकी एग शेज़वान बिरयानी कैसी बनी। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। So thank you very much.